हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। डॉक्टर परमजीत हियर। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, इमरजेंसीज यू नो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेलते खेलते इतनी इमरजेंसी आ जाती है कि इमरजेंसी में फिर जाना पड़ता है और फिर इमरजेंसी में आपके पास आने में हो जाते हैं लेट। सो क्षमा चाहते हैं हम, और क्षमा प्रार्थी के साथ साथ चाह रहे हैं कि लोग आ जाएं। तो जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे सवाल शुरू होंगे, और जैसे कि हमने बताया है कि आज हमारा दो लाइव होंगे, आज हमारे दो लाइव होंगे, रिमेंबर दिस। पहले आ जाइए सारे लोग, सारे लोग आते हैं तो हम आपका सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। और सवाल शुरू करने से पहले हम आपको और भी चीज़ें बता देंगे। सबसे पहले आप लाइक करते जाइए, देखिए जो भी इंसान जिसको भी समझ में आई बात, अच्छी लगे बात हमारी, सो लाइक करना है ज़रूरी। लाइक करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि भाई हाँ, हमारी बात आपको लग रही है अच्छी, वरना तो कोई फायदा नहीं है। सब बुरी बातें हैं, बुरी बातें करने में की जरूरत क्या है, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। एसिडिक एंड अल्कालाइन बॉडी के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अभी मैं ज़रा इंटरनेट कनेक्ट करके क्वेश्चंस खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो तब तक क्वेश्चन खोलते हैं, रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई नीड टू आस्क समथिंग, ऑब्वियसली दिस प्लेस इज टू आस्क समथिंग। कम ऑन मिस्टर किंग, आस्क समथिंग। और राइट, ऑयली स्किन वाले दो टाइम फेस वॉश कर रहे थे, नॉर्मल टीम वाले एक टाइम, बिल्कुल करें, ऐसा बिल्कुल होता है। ऑयली स्किन वाले जो हैं वो दो टाइम या तीन टाइम भी कर सकते हैं, और जो वो वाली नॉर्मल स्किन वाले हैं वो एक टाइम करना चाहिए। ओके, हाउ टू रिपेयर लिगामेंट। लिगामेंट को रिपेयर आप नहीं करते, आपकी बॉडी खुद करती है। अगर लिगामेंट टीयर हो तो वो स्लोली स्लोली रिपेयर होता है। यू नीड लिगामेंट जिससे बने हैं वो वाले थोड़े से इंग्रेडिएंट, जैसे कि कॉन्ड्रोटिंग सल्फेट, ग्लूकोसामीन, वो सब चीज़ें लेने से फ़ायदा होता है, और कैल्शियम और फॉस्फरस, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में रखनी है। ऑलराइट देन, चलो इसी में से देख लेते हैं। समहाउ इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा लैपटॉप में, और जब तक होएगा तब तक के लिए सवाल पूछने जारी रखते हैं। रिमेंबर, जो जो आ गए हैं लाइक का बटन जरूर दबाइए, लाइक बटन दबाते हैं तभी हम जवाब देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। अन्नी जी, सर हमारे इंडिया आर्मी के लोग जेके में मरे हैं, बिल्कुल उनके लिए आप कुछ बोलो सर, पूरे देश में परेशान है, न्यूज़ भी होनी चाहिए। सर मैं एम्लोक्योर डीएस ले रहा हूँ, भूख नहीं लग रही, सर में दर्द रहता है। देखिए जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत चीज़ें जंग से, झगड़े से किसी का कोई भला नहीं होता, और किसी को मारने से, किसी आग जलाने से, बम फोड़ने से किसी का कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो दिस इज़, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन आपको समझना है, आप और हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, बी पॉजिटिव, है कि नहीं। अच्छी बातें सोचो। हम अगर नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उल्टा सीधा ये वो ये, सो डू यू थिंक फायर कैन स्विच ऑफ फायर, इतना बता दो। आग से आग नहीं बुझाई जाती। सो अगर हेल्दी, वो अलग बात है कि हाँ जंग होनी है वो सब, आई विल नॉट कीप पॉलिटिक्स हेयर, बट सीरियसली ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बंद करनी पड़ेगी, राइट, किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। बट एनीवेज, दिस इज़ नॉट अ मैटर। आज के सवाल, एम्लोक्योर डीएस ले रहा हूँ, भूख नहीं लग रही, सर में दर्द रहता है। सर जी, अन्नी जी, आपका डायग्नोसिस सही नहीं हुआ है, कृपया पहले सही डायग्नोसिस करवाइए, क्योंकि एम्लोक्योर डीएस लेने के बावजूद आपको भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगने की दवा अलग आती है और नहीं लगने का कारण ढूंढना पड़ता है। तो आप ऐसा करिए, एक बारी तो एक फिज़िकल हेल्थ चेकअप कराइए, आपका ब्लड टेस्ट सारे करवाइए जितने चेकअप में होते हैं, देखिए उसमें क्या गड़बड़ है। इसका डायग्नोस करने के लिए या तो आप या आपके टेस्ट मुझे सारे देखने पड़ेंगे। अभी मैं ये नहीं बता सकता कि क्यों हुआ, हो सकता है आपको एक्चुअल इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, ठीक। ओके, देन यहाँ पे टॉप चैट क्यों आ रहा है। ओके, डू नॉट टर्न ऑन, ओके टर्न ऑन कर दिया हमने इसको, कोई बात नहीं, ये हो गया है। क्योंकि हाँ, सो फर्स्ट सवाल आ रहे हैं हमको सौरभ जी का, क्षमा करिएगा अगर उल्टा सीधा हो गया है। सौरभ जी, हाय सर। हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम लिटिल बेटर, वॉइस इज़ बेटर, अब मैं जल्दी जल्दी बोल पा रहा हूँ, ओके, और दुख नहीं रहा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो कीप लाइकिंग गाइज। ओके, 23 हम शुरू कब हुए थे खुद नहीं पता मुझे, पहला सवाल कौन सा था यार, ये ना बहुत गलत चीज़ है। एनीवेज, हाँ,
So Vineet Gaur, sir, I'm a Hindu Brahmin, want to eat non-veg such as chicken, breast, egg, fish for lean protein, but my family members and religion is not allowing me to do. What should I do? Don't eat that. Huh? Don't eat that, bhai sahab. Aapko protein hi chahiye na. For lean muscle protein. Lean muscle protein ke liye family ke khilaf jane ki avashyakta nahi hai. Go for soy, 100 gram soy daily le lo. Go for paneer, go for peanuts. Peanut proteins aa rahe hain market mein. Peanut ka protein nikal ke aapko de rahe hain. Aap peanut kha lo. Koi din 100 gram, 200 gram peanut daily kha lo. Dal kha lo. Watch Science of Nutrition and understand the concept. Science of Nutrition by Dr. Education. YouTube pe type to karo. Dekho aur phir dekho, aapko chicken, mutton ki, eggs ki, breast ki zarurat, chicken breast ki zarurat nahi hai. Thumbs up dabate rehna dosto. Okay, next question. Kya baat hai sir, Valentine's Day par masturbation ki video dal di. Lord. Exactly, that is important. Akele hai to kya gum hai? Hai ki nahi? Main soch raha tha gaana bhi dalta hu, fir mere yaar zyada ho jayega. Akele hai ki nahi? Mere ko zyada ho jayega, chodo. Okay. Sir, you deliver 300 se hair loss hota hai. Ye nahi, 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 nahi hota. Mera hair loss ho raha tha. इसको लेने के बाद से इसके साइड इफेक्ट्स में से एक साइड इफेक्ट हेयर लॉस लिखा है, प्लीज़ क्लियर माय डाउट्स. देखो यूटिलिव का कोई मेजर हेयर लॉस का साइड इफेक्ट नहीं है, बट देन हाँ, एक दवा है, दवा के साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि आपका हेयर लॉस यूटिलिव के वजह से हो. अगर आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है, यूटिलिव बंद करके देख लो, नंबर वन. पर यूटिलिव आप क्यों ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. गॉल ब्लैडर है, फैटी लिवर है. फैटी लिवर है तो बंद कर दो, कोई बात नहीं. गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, तो फिर यूटिलिव चलना पड़ेगा. तो यूटिलिव के साथ हेयर के लिए प्रोटीन खाओ. और दूसरी चीज़ देखो कि हेयर क्यों वीक है, कि छोटे से यूटिलिव से डैमेज हो गए. अल्टीमेटली गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट, सब आपको समझेगा. तो हेयर लॉस वाले वीडियो देखो आप. राइट, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, बायोटिन ज़्यादा खाओ, विटामिंस लो, पानी ज़्यादा लो, मसाज करो, बेंड लो, लो बेंड करो. दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. एजोस्पर्मिया जेनेटिक कैसे होते हैं, कौन सी डिजीज से, एंड कंजेनाइटल कैसे, नॉलेज वाइज. एंड सर, स्पर्म इन कलर वाइट, जेली लम्स पार्टिकल इज नॉर्मल, हेल्दी सीमन. फुल वाइट नहीं है मेरा. कितने सवाल पूछोगे यार सिमरन जी, एक क्वेश्चन में कितने सवाल, एक सवाल पूछा करो, समझे. अच्छा, एजोस्पर्मिया अपने आप में जेनेटिक होता है. कई लोगों की स्पर्म्स नहीं बनते, यानी स्पर्म्स नहीं बनते तो सीमन खाली आता है, उसमें स्पर्म नहीं होता. राइट, नंबर वन, टेस्टिक खराब हो गए, टेस्टिस किसी कारणवश काम नहीं कर रहे, निकाल दिए गए. राइट, कुछ गड़बड़ हो गया तो कैसे बनेगा स्पर्म्स, स्पर्म्स ही खत्म. सो दोज आर द ओनली रीजंस व्हाई दे विल हैव दैट प्रॉब्लम. और सीमन कलर वाइट होता है, भगवान ने बनाया कुदरती. लाल बनाया होता तो लाल होता, पीला बनाया होता तो पीला होता. इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते. ये क्या भाई साहब, मैं गोरा क्यों, मैं पिंक कलर का हूँ तो मैं ऐसा ना, मैं को चाहिए मैं डार्क ब्राउन. तो चलो वो तो होते ही हैं, चलो छोड़ो, कॉमेडी मारने का भी ना, कभी कभी सही निकलता कभी नहीं निकलता, लाइक करते जाना. ओके सर, आई डिड बैक एंड बाइसेप्स यस्टरडे, टुडे आई एम हैविंग रिस्ट पेन, शुड आई अप्लाई एनी लोशन, एनी होम रेमेडी. रिस्ट पेन हो रहा है, दैट मीन्स आपने रिस्ट पे ज़्यादा हैवी प्रेशर आ गया है. ज़्यादा हैवी प्रेशर तब आता है जब आपको बहुत ज़्यादा उसको रेस्ट नहीं देते. मान लीजिए आपने बैक एंड बाइसेप किया, गिव इट वन डे ऑफ रेस्ट. लोशन नहीं अप्लाई करना है उसके ऊपर, वार्म टावल रख दीजिए. वार्म टावल रखिए, और लोशन सिर्फ स्किन के ऊपर काम करता है, आपके मसल पे नहीं काम करता. तो वार्म टावल रखिए, वार्म मसाज करो, एक ऑयल मसाज थोड़ी सी करो, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. ऑयल मसाज करोगे तो इधर से ऊपर तक, ऐसा ऐसा ऊपर, ठीक है. और रेस्ट करो, कल जाके आर्म्स मत मारना, प्योर प्योर लेग्स करना या एब्स करना या कार्डियो करना, बस एक दिन की रेस्ट, ये ठीक हो जाएंगे. अगर एक दिन की रेस्ट से भी ठीक नहीं हो रहे, ओवर डूइंग हो रही है, ओवर एक्सरसाइज हो रही है, असेस योर एक्सरसाइज प्लान अगेन. नमस्ते सर जी, नमस्ते डॉक्टर सयाल. राइट, एक आया है हमें सवाल, पेड क्वेश्चन. लेट्स सी पेड क्वेश्चन क्या आया है, और फिर हम वापस आएंगे अमित शर्मा जी के पास. ऑलराइट, जैसे सुपर शैट अमित शर्मा जी के पास आने से पहले मुकेश जी ने पेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं है. तो पहले सीधा चले जाते हैं अमित शर्मा जी के पास. अमित शर्मा जी कहाँ चले गए, अमित शर्मा जी गायब हो गए. चलो कोई बात नहीं, दूसरे सवाल यहाँ से ले लेते हैं. आर्जिनिन के बारे में बिटाओ, आर्जिनिन के बारे में डिटेल वीडियो आएगा. क्या आपका वीडियो आएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन आपका वीडियो आएगा.
ओके, फ्रोजन शोल्डर डज नीड फिजियोथेरेपी, एब्सोल्युटली फ्रोजन शोल्डर्स नीड फिजियोथेरेपी, उसके बगैर नहीं होगा, या तो खुद करना पड़ेगा या किसी से करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी करवाना पड़ेगा और इसके लिए लाइक मारिए, ठोकिए। ऑलराइट सर जी, कोई जहर भरी दवाई बनाकर पाकिस्तान भेज दो, काहे वहाँ अच्छे लोग नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं क्यों, वहाँ के चंद लोग, तुमको पता है कि वहाँ और यहाँ में सिर्फ कुछ लोगों का ही है, बोलते हैं ना कुछ लोग ही दुनिया चलाते हैं। डू यू थिंक 98% ऑफ पाकिस्तानीज आर बैड, एवरीबडी थिंक्स कि ओके इंडिया इज़ बैड, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। ठीक है, पाकिस्तान से फ़ोन आते हैं, पाकिस्तान के लोग आते हैं, ऑनलाइन कॉल करते हैं, मिलते हैं, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। हाँ, सियासतदान का पता नहीं, ठीक है, पॉलिटिशियंस का पता नहीं, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, कृपया लेट्स नॉट हेट ईच अदर, हेट करके आपको कुछ नहीं मिलना है कि नहीं, मिलता है तो करो, मिलता होता तो कर लेते, हजारों लाखों रुपए मिलने वाले हैं, नहीं मिलने वाले भाई साहब, अच्छा लगी बात तो लाइक कर दो, नहीं लगी बात तो आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। ऑल राइट, हेलो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, ओके, अंकुश चुग, सर कैन आई गेट 20 मिनट्स वर्कआउट इन जस्ट 4 मिनट्स बाय डूइंग HIIT? एब्सोल्युटली, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, HIIT का मतलब ही वही है कि 20 मिनट में आप 4 मिनट की वर्कआउट करोगे। 4 मिनट्स ऑफ HIIT इज़ बेटर देन 20 मिनट्स कार्डियो, येस, इफ़ योर बॉडी अलाउज यू, इफ़ योर बॉडी अलाउज यू का मतलब है अगर बॉडी में कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है, जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है और आप कर सकते हो वार्म अप करके, तो HIIT बेस्ट है फॉर बूस्टिंग योर टेस्टोस्टेरोन, बूस्टिंग योर ग्रोथ हार्मोन, बूस्टिंग योर मोरल, बूस्टिंग योर इंटरनल, यू नो एवरीथिंग, राइट। और कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है उसमें, द बेस्ट एक्सरसाइज इज अ स्प्रिंट, 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 दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दिस, राइट। और यू शुड वेरी थिंग्स, वेरी वेरी करते रहो, कभी स्प्रिंट करो, कभी जंप करो, कभी बर्पीज करो, कभी कुछ करो, जंपिंग जैक्स करो, समथिंग समथिंग चेंज। होल्ड ऑन, हेलो, हाँ बोलो बेटा, हाँ जल्दी बोल, जल्दी बोल, मेरा लाइव चल रहा है, जल्दी बोलना, क्या काम है, देखना है उसको, किसके अंडर है, अरेस्ट हो गया, पक्की बात, CPR चल रहा है, चल रहा है, कितने देर हुआ CPR चलते हुए, चल मैं आ रहा हूँ, ICU में ना, ठीक, क्षमा करिएगा जनाब, कार्डियक अरेस्ट, क्या होता है कार्डियक अरेस्ट उसके बारे में वीडियो है हमारा, आप वो वीडियो देखिए, तब तक हम पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट थोड़ा क्रिटिकली इल था, बचेगा कि नहीं भगवान जाने, लेकिन कोशिश करनी हमारी है, हम नहीं देखेंगे वो इंडियन है कि पाकिस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पेशेंट बचाना पहले है, इन जिंदगी ज़रूरी है, ज़िंदगी बड़ी होती है, तो कृपया उल्टी सीधी बातें ना सोचिए ना फैलाइए, अपने आप को और दुनिया को बचाइए, जय हिंद।